पहले हमने पार्ट तीन पढ़ा था, आज हम उसकी व्याकरण करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। तो आज हम पहले सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में समझेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि जो होते तो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हम उसका प्रयोग किस में करते हैं, हिंदी भाषा में। जैसे हमारे पास होता है काक दिवस, है तो ये संस्कृत भाषा के शब्द लेकिन हम इसे प्रयोग किस में कर रहे हैं, हिंदी भाषा में। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। उसके बाद हमारे पास है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत शब्दों से बिगड़कर, होते तो संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन बिगड़कर हम उसे क्या करते हैं कि उसे हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। जैसे कोवा दिन, जैसे कि काक शब्द है संस्कृत का, ठीक है। अब हम उसे हिंदी में प्रयोग करेंगे तो हम काक को क्या बोलेंगे, कोवा। इसी तरह से जैसे दिवस शब्द होता है संस्कृत भाषा का, तो हम उसे अगर हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, दिन। तो इसी तरह से हमारे पास जो है कुछ शब्द दिए होते तत्सम और तद्भव, तो हमें उन्हें याद करना होता है। जैसे कि हमारे पास अग्नि होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है लेकिन अगर हम उसे हिंदी में याद करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, आग। इसी तरह से जैसे स्वर्ण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोना। और जैसे कि जिह्वा, जिह्वा जिसे यानी कि हमारी जो जीभ होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, संस्कृत में क्या आएगा, तत्सम में जीवा, और तद्भव में क्या आएगा, जीहा। तो इसी तरह से दंत, दंत को हम क्या बोलेंगे, दांत। तो ये हमारे थे तत्सम और तद्भव शब्द। ये आपने याद करने हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि तत्सम और तद्भव शब्द कौन से होते। आज हम पढ़ेंगे क्रिया और उसके भेद। क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, मजदूर काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, काम करने की क्रिया हो रही है, तो कर रहे हैं ये शब्द हमारे क्या हैं, क्रिया। उसके बाद इसमें जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मजदूर, मजदूर कौन है इसमें, कर्ता, जो काम को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। तो क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद इसकी मुख्य क्या पहचान होती है क्रिया की, हम इसको क्या है कि वाक्यों में लिंग वचन के अनुसार इसका जो है परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण दिया हुआ है कि बबीता कहानी लिख चुकी है। अब इसमें है हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि विनय कहानी लिख चुका है। देखो अब बबीता कौन है, लड़की है, तो इसमें क्या है कि हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, चुकी है। तो इसमें क्या है कि क्रिया में परिवर्तन आ गया लड़की के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है कि हम लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं क्रिया में। अब विनय कौन है, लड़का है, तो वो इसमें क्या लिख रखे, विनय कहानी लिख चुका है। तो ये चुका है क्या है कि लिख चुका है, हमारा क्या है, क्रिया। तो इसमें क्या है कि हम लिंग वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक क्रिया है पढ़ना, ठीक है, तो इसका मूल रूप क्या है हमारे पास, पढ़, पढ़ प्लस ना पढ़ना, तो ये हमारा क्या है, क्रिया का मूल रूप। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के जो है दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में क्या है कि कर्म नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है कि राम दौड़ रहा है,
तो इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें जो है अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आप इसमें प्रश्न लगाकर देखोगे। अगर इसमें क्या है कि क्या प्रश्न, जैसे कि हमारे पास शब्द है क्या, तो इसमें अगर हमारे पास क्या का आंसर मिल जाता है तो वो हमारी होती है सहकर्मक क्रिया। अगर हमारे पास क्या का उत्तर नहीं होता है तो वो हमारी होती है अकर्मक क्रिया। अब इसमें क्या है कि हमारे पास अगर हम प्रश्न करते हैं कि राम दौड़ रहा है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि राम दौड़, राम क्या मतलब क्या है, तो वो दौड़ रहा है, राम क्या है, तो इसका प्रश्न नहीं बन रहा ना। अगर हम लिखेंगे कि क्या कर रहा है तब इसका प्रश्न बनेगा, राम क्या है दौड़ रहा है, तो ये कोई प्रश्न का उत्तर तो नहीं बना ना, इसलिए ये हमारी क्या है अकर्मक क्रिया। उसके बाद सहकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म होता है उसके उसको हम क्या कहते हैं सहकर्मक क्रिया। जैसे कि हमारे पास इसमें आ जाता है कि राम फल खा रहा है, तो इसमें जैसे लिखा था हमने कि राम दौड़ रहा है, तो इसमें हम जैसे कि इसका एक उदाहरण लिखते हैं कि राम फल खा रहा है। तो अब इसमें हम क्या है कि क्या प्रश्न लगाकर देखते हैं कि राम क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है फल खा रहा है, तो हमने हमें इसका उत्तर मिल गया, तो ये हमारी क्या है सहकर्मक क्रिया। उसके बाद सहकर्मक क्रिया है, इसके भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें क्या है कि हमारा एक ही कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं एक कर्मक क्रिया। जैसे क्या है कि दादी जी फल खरीद रही हैं, तो इसमें क्या है कि वो क्या काम कर रही हैं, एक ही काम कर रही हैं फल खरीदने का, इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर रही हैं, तो हमारी ये क्या है एक कर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या है कि दो कर्म जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास उदाहरण आ जाता है कि दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, तो इसमें क्या है कि दो कर्म आ गए हैं, तो किसको सुना रही हैं बच्चों को, और क्या सुना रही हैं कहानी, तो इसमें दो कर्म साथ में आ गए हैं, तो ये हमारी होती है द्विकर्मक क्रिया। तो आज हमने क्रिया और उसके भेद पढ़े, तो आप इसको ध्यान से देखना और पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में, लेखन यानी कि लिखने के लिए जो है हम पत्र का प्रयोग करते हैं। तो जब हम किसी को फोन के द्वारा अपना संदेश नहीं दे सकते तो हम पत्र की सहायता से हम उसे अपना संदेश दे सकते हैं। तो पत्र जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में वे पत्र जो कार्यालय संबंधी लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र वे पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को या भाई बहन को, सगे संबंधियों को लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अब हम इसमें अनौपचारिक पत्र के बारे में लिखने का तरीका सीखेंगे कि हम जो अनौपचारिक पत्र है उसको किस ढंग से लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पत्र का प्रारूप यानी कि पत्र के बारे में पता होना चाहिए कि उसको कैसे लिखना है, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे कि इसमें पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि जैसे हम है अपने भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि पत्र भेजने वाले का पता, तो इसमें हम सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, तो अपना निवास स्थान लिखेंगे, जैसे कि हमारा हाउस नंबर है, गली नंबर है, जो भी है, हम कहाँ रहते हैं, जैसे सिरसा में रहते हैं, तो हम यहाँ पर अपना पत्र यानी कि भेजने वाले का पता, अगर हम पत्र भेज रहे हैं तो हम अपना पता यहाँ पर लिखेंगे। और जिस दिन दिनांक में हम क्या है कि तारीख लिखेंगे जिस दिन हम वो पत्र लिख रहे हैं, तो हमने क्या है कि हम इस दिनांक को गलत नहीं लिख सकते, तो जिस दिन हमने पत्र लिखा है उसी दिन की हम इसमें दिनांक डालेंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है संबोधन, ये होते हैं तीन प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, जैसे कि हम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि चाचा जी को या पिताजी को पत्र लिख रहे हैं,
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आदरणीय भाव उनके लिए व्यक्त करेंगे। ठीक है, अगर हम क्या है कि अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जैसे कि तुम्हारा मित्र, तो इस तरह से लिखेंगे, उसके लिए हम ये शब्द प्रयोग करेंगे। अगर हम अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो हम उसमें लिखेंगे जैसे कि प्रिय भाई, तो इस तरह से संबोधन जो होता है वो हमारा क्या है कि पत्र के अनुसार होता है। कि हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं, अपने मित्र को बराबर वालों को लिख रहे हैं, या अपने से छोटे वालों को लिख रहे हैं। उसके बाद इसमें आ जाते हैं पत्र की विषय वस्तु। विषय वस्तु जो होती है हमारी वो होती है तीन प्रकार की होती है। जैसे कि अब हमने पहले पत्र भेजने वाले का पता लिख लिया, दिनांक लिख दिया, संबोधन लिख दिया। अब हम इसमें क्या है कि जो आरंभ, आरंभ में जैसे कि हम पूछते हैं अपने मित्र का, अपने से बराबर वालों के मित्र को हम पत्र लिख रहे हैं, तो हम अपना हाल बताएंगे कि जैसे कि हम सब घर पर ठीक है और आप भी कुशल मंगल होंगे। ये बातें हमारी आ जाती हैं पत्र के आरंभ में। उसके बाद इसमें आ जाता है मध्य। मध्य का मतलब होता है कि जिस विषय वस्तु के हमने के बारे में पत्र लिखना है। जैसे कि हमने अपने क्या है कि मित्र का, मित्र को क्या है कि कहीं पर जाने के लिए आमंत्रित करना है कि आप जो है जैसे कि आप मेरे जन्मदिन पर आ जाओ, तो वो हमारा हम उस ये लाइनें जो हैं वो मध्य में आ जाएंगे कि आज मेरा जन्मदिन, आप जो है मेरे जन्मदिन पर आ जाओ, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, तो ये लाइनें जो है मध्य में आ जाएंगी। उसके बाद अंत, अंत में हम लिखेंगे पत्र का सार, यानी कि और इसमें क्या बताएंगे, जैसे कि लिखेंगे कि जो मेरे जन्मदिन पर जो है आपको पहुंचना ही होगा, और क्या है कि जैसे कि अंत में हम लिखेंगे कि चाचा चाची को प्रणाम, या आपके मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, तो बातें जो है पत्र के अंत में आती हैं। उसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मीने यानी कि आप अपना नाम लिखोगे कि जो है अब जो है पूरा पत्र खत्म हो चुका, तो अब इसके बाद लिखेंगे जैसे कि तुम्हारा मित्र, और उसके बाद आप अपना नाम लिख दोगे। उसके बाद है पत्र के लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और पता। अब जो पत्र है हम उसको लिफाफे में डालेंगे, तो उसपे क्या है कि क्या लिखेंगे कि पत्र पाने वाले का नाम, जैसे कि अपने मित्र का नाम और पता वो हम लिखेंगे, तभी जो पत्र है वो हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा ये अनौपचारिक पत्र के बारे में। तो आपने जैसे कि एक पत्र लिखना है, आपने पत्र लिखना है कि अपने चाचा जी को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र, तो आप इसको लिखोगे तभी आपको पत्र के बारे में पता चलेगा। थैंक्स।